इस बात को ना आप अच्छे से जान लो कि आप एकमात्र अकेला नहीं हो कि जिसकी तैयारी नहीं हुआ। आपके जैसे 100 नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं, 500 नहीं, बल्कि हजारों बच्चे ऐसे जिनकी पढ़ाई अभी भी जीरो में है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी शुरुआत करने की कोशिश भी नहीं की। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आप बोलेंगे भाई पढ़ाई होते रहता तो इस वीडियो के थंबनेल को देखकर हम इस क्लिक क्यों करते और ये अभी तक देख क्यों रहते, है ना? तो कोई नहीं, मैं जानता हूं और आपको बता भी दिया हूं इंट्रो में ही कि आप एकमात्र ऐसे नहीं हो कि जिसकी तैयारी नहीं हुआ है। आपके जैसे कईयों लोग हैं जो अभी भी जीरो में पड़े हुए हैं। तो आपको करना क्या पड़ेगा, क्या आप जीरो में ही रहना चाहते हो? कब? सबसे पहले इस सवाल का जवाब आपको खुद आपके दिमाग से बताना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा हाँ या ना। अगर नहीं तो वो चीजें जो मैं बताने वाला इस वीडियो में, 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल सकते एग्जाम हैक्स, जिसको अगर करोगे तो डेफिनेटली आप जो है अपने टारगेट तक पहुंच सकते हो। आप सिर्फ पास होना चाहते हो, वो आपकी सोच है, वो पास हो जाओगे। नहीं, आपको कुछ बड़ा करना है तो आप उस टारगेट को भी अचीव कर सकते हो। बस जो चीजें बता रहा हूं इस वीडियो में, जो पॉइंट्स बताऊंगा, उन चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है? तो हम यहां पर देखो ध्यान से कि दो बच्चों की बात कर लेते हैं, ठीक है? एक का नाम लेते हैं, दो लड़के ही लेते हैं, ठीक है? एक का नाम है क्या भाई, सोनू लेते हैं और एक का नाम लेते हैं मोनू। दो नाम हम लोग लेते हैं, यहां पर दो बच्चे जो है सेम आप लोगों की जैसे, इन दोनों की भी तैयारी एकदम पूरा, इन्होंने जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर सब कुछ खराब कर डाले, ठीक है? इवन अर्धवार्षिक पेपर हुआ उसमें भी इन लोगों का क्या था, पूरी तरीके से टाइम बर्बाद हो चुका था इनको। मतलब ऐसा बोल सकते हैं ये उस टाइप के बच्चे जिनको पढ़ने की मन नहीं है। इनको लोग बोलते भी थे, गांव वाले बोलते थे, रिश्तेदार बोलते थे, दोस्त बोलते थे पढ़ ले पढ़ ले। कई लोग इसको अब देखो कुछ हद तक बोलेंगे, कब तक पढ़ने बोलेंगे आपको? 50 बार बोलेंगे पढ़ने के लिए घर वाले लोग, पड़ोसी लोग, दोस्त लोग, यार लोग, लेकिन 91 बार में जरूर बोलेंगे उससे अच्छा तो पढ़ ही मत, कुछ नहीं कर सकता बोलेंगे डेफिनेटली। इस तरीका से इन लोगों को भी बोलने लग गए थे। बट यहां पर देखो इनमें से एक ने क्या किया, उसी को तुमसे ना हो पाएगा बोले। तब एक सोनू नाम का जो लड़का है वो क्या बोला कि ये बोला अपने मन में, ऐसे बोला नहीं किसी को, अब मन में बोला मैं करूंगा। और एक लड़का जो है मोनू, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये दिमाग में बैठा लिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता। तो जाहिर सी बात है यहां पर समझो यहीं से पूरा का पूरा आपका दिमाग का खेल काम करता है। यहां पर बोला तो दोनों लोग को एक ही चीज है ना, उसको भी 50 बार बोले कि पढ़ 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 करके, लेकिन वो नहीं माने। दोनों को तो वही चीज बोले ना, लेकिन 91 बार में दोनों को सेम डायलॉग बोला गया, सेम चीज बताया गया कि आप पढ़, तुमसे ना हो पाएगा, कुछ नहीं कर सकते, ऐसे ही रहोगे, पूरी तरीके से बर्बाद हो गए करके। लेकिन यहां पर एक वर्ड, एक सिचुएशन जो है पूरी तरीके से उनकी कहानी पलट दी। वो क्या है, सोनू के दिमाग में वो आया कि मैं करूंगा, कर सकता हूं, करके दिखाऊंगा करके। बट मोनू क्या हुआ, वो स्वीकार कर लिया, हाँ मैं कुछ नहीं कर सकता या मोर से कुछ नहीं हुआ है, वो स्वीकार कर ले। तो यहाँ पर जो सामने वाले बोर उसको स्वीकारने की जरूरत है, इसलिए वीडियो बनाया जा रहा है कि कम से कम आप यहाँ से समझो, सीखो और आगे बढ़ो। अब आते हैं हमारे मेन मुद्दे पर इस वीडियो का, कि याद रखना आप अभी भी उतना बड़ा गलती नहीं किए हो, एक चीज को आपको दिमाग में रखना। और आप अभी चाहते हो कि हाँ मुझे कुछ अच्छा करना है तो कर सकते हो, अभी भी टाइम है। अगर एग्जाम के आप बोल सकते हो मैं 5 दिन पहले या 10 दिन पहले लगभग यहां तक भी जगते हो ना, तो डेफिनेटली आप कुछ अच्छा कर सकते हो। चीजों को आपको समझना पड़ेगा, यही वो टाइम है जहां पर या तो आप कर जाओगे या तो रह जाओगे, यही वो टाइम है जहां आप बड़ा फोड़ सकते हो या तो खुद फूट सकते हो। जैसे कि यहां पर मोनू क्या, सोनू क्या है, तैयार है बड़ा फोड़ने के लिए, बड़ा करने के लिए, बट मोनू क्या है, हार मान गया, वो खुद टूट गया है ना, तो उनसे तो कुछ होगा नहीं, ये चीजों को आपको समझना पड़ेगा। बट ये अगर भी चाहते, मोनू भी चाहते तो वहां कुछ कर सकते थे और आगे बढ़ सकते थे, ठीक है? तो हम चलते हैं भाई सीधा फाइनली किस पर, हमारे एग्जाम पर। जैसे कि हम 10th या 12th की बच्चों की बात करें, दोनों क्लास का हमारा
एक मार्च और कब से भाई 2 मार्च से इस पढ़ाई स्टार्ट हो रही है। अब देखो यहां पर अगर हम 12th वाले की बात करें, 12th वाले को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस कि पेपर कैसे आते, और इतना एक चीज याद रखना कि छत्तीसगढ़ बोर्ड की अगर अपन हम बात करें तो छत्तीसगढ़ बोर्ड में कभी भी बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते। इसका मतलब ये है कि वही क्वेश्चंस बार 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 रिपीट होते हैं। देखना ना, कोई क्वेश्चन ऐसे ऐसे भी टॉपिक है, ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन जो बार बार लगातार 6-7 साल से आ रहा है, कोई 1-2 साल से रिपीट नहीं होता, लगातार 6-7 साल से अभी भी वही क्वेश्चन वही टॉपिक आए जा रहा है, इसलिए बहुत आसान है। बट हम लोगों के दिमाग में वो चीजें हमें समझ किसने ये नहीं आता, आज ऐसे सिचुएशन क्यों आ गया कि लोग हमें 50 बार बोल रहे हैं, 91 बार में हमारे हार और जीत का फैसला हो रहा है। इसका रीजन आज की बात नहीं है, यहां पर गलती आपका नहीं है। मैं मानता हूं कि आप 10th में आके भी आपको होश नहीं आ रहा, पढ़ नहीं पा रहे हो, इसके यहां पर आप स्वयं खुद बस जिम्मेदार नहीं हो, आपके पीछे कईयों लोग जिम्मेदार है। समझो चीजों को, आपकी पढ़ाई के लिए देखो आपको क्लास 1-8 तक का तो कोई भी एग्जाम दिलाना नहीं होता है आपको, ऐसी सिचुएशन लाया गया आपको। तो भाई जो लड़का या जो लड़की 8वीं तक पेपर दिलाया नहीं है उनको कहां से पता चलेगा एग्जाम की वैल्यू क्या होती है, एग्जाम और उस एग्जाम के रिजल्ट जो आता है उससे घर वालों को अपने मम्मी पापा को कितना खुशी होता है, उस चीज का तो उसको कभी एहसास ही नहीं है, ना तो वो कभी पेपर दिलाया ना तो कभी रिजल्ट का सामना किया, और जो रिजल्ट आता है उसकी खुशी का कभी उनको एहसास हुआ ही नहीं है। तो कहां से वो लड़का या लड़की पढ़ेगा और कहां से आप लोग पढ़ोगे। इसलिए मैं बोलता हूं कंप्लीटली आपकी गलती नहीं है, बट अगर जान के समझ के भी, क्योंकि अब तो इस वीडियो के बाद आप जान गए ना एक्चुअल में होता क्या है, वहां आपको कभी पेपर दिलाया नहीं हो, है ना, तो उन चीजों को समझो कि पहले जो आप एकमात्र गलती नहीं किए थे वहां पर, बट अभी आप जान के भी अगर आप गलती कर रहे हो कि आपको पता है एग्जाम होगा कुछ ना कुछ आपका रिजल्ट आएगा, तो घर वालों को थोड़ी बहुत तो निराशा होगी आपके लिए, भाई इतनी उम्मीद है, इतनी मेहनत करके आपको पढ़ा रहे, तो उन चीजों को समझो। तो यहां पर आ जाओ, इसके लिए तैयार होना है आपको, क्या के लिए, 1 मार्च और 2 मार्च जिनका जिनका एग्जाम है उसमें फाइट करने के लिए। देखो फाइट करने के लिए जैसे मैं बोला हूँ बोर्ड एग्जाम के लिए 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट या 5 हैक्स आपको बताऊंगा जिसको फॉलो करना है, तो वो ट्रिक्स है, यहाँ पर पढ़ाई के लिए नहीं बताऊंगा मैं, मतलब एक्चुअल में क्या करना है वो चीज़ों को तो देखना पहले, उन मैं सब कुछ बता चुका हूँ, उन चीज़ों के हटके ये वीडियो होने वाली है आपके लिए। तो देखो इसमें करना क्या, बेसिक सा अगर 5 पॉइंट मैं बोलूँगा तो पहला चीज़ जो है आपके अंदर वो आना चाहिए, कौन, सोनू का, कौन, सोनू का पूरा डायलॉग आपके अंदर आना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं या मैं करूंगा और करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, ये आपके अंदर आना चाहिए। तो सबसे मेन चीज क्या है भाई, जुनून, जुनून आना चाहिए आपके अंदर, वो जोश आना चाहिए, करना है मतलब करना है। इतने दिनों में आप चाहो तो गेम पलट सकते हो, पासा पलट सकते हो पूरी तरीके से, चाहो तो आप उन बच्चों को भी आपके क्लास के उन टॉपर लोग को बीट कर सकते हो जो पहली क्लास से लेकर अभी 10वीं तक 9वीं तक और 10वीं में भी टॉप करने के लायक पढ़ाई करते हैं, आप उनको भी बीट कर सकते हो। हालांकि आप कभी टॉप की हो ना की हो लेकिन बोर्ड क्लास में कर सकते हो, बस चीजों को समझना पड़ेगा कि कैसे क्वेश्चंस आते, कैसे पैटर्न आते, और उसके लिए आपको जुनून, आप पढ़ते जाओगे तो आराम से चीजें समझ आती जाएगी हारे भाई पिछले बार ये आया था, इस बार ये आएगा, इस बार नहीं आएगा, इस बार वो आएगा, ये पूरी चीजें क्लियर होती जाती है। और चैनल पर वीडियो की इतनी सारी पड़ी है कि वो अगर 2-4 को भी देख लोगे तो आराम से हो जाएगा। तो ये पहला पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है, तो बस ये चीजों को समझते जाओ। फिर अगर आप बता दो यहां पर, चलो आपको समझ आ गया पढ़ना है, अब मेरे वीडियो देखने के बाद एक ही दिन में आपको जाके भाई बैठ नहीं जाना है 12 घंटा पढ़ने के लिए, ऐसा करते हो तो आप बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी मूर्खता करते हो। इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा, आपको सिंपल सा करना क्या है, एकदम 12 घंटे वाले पढ़ने वाली अभी शुरू में तो आएगा नहीं। जैसे कि कई लोग क्या करते हैं, आप लोग देखेंगे अक्सर कभी कभी बर्थडे आ गया या कुछ और हो गया या त्यौहार आ गया, या मैक्सिमम बच्चे किसमें करते हैं, न्यू ईयर में देखेंगे, न्यू ईयर में बोलते हैं तो इस साल से मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, पूरा पूरा इतना बड़ा बड़ा कमिटमेंट करते हैं। तो वैसा बड़ा कमिटमेंट नहीं करना है, बड़ा चैलेंज नहीं लेना है आपको, क्योंकि अभी वो टाइम है जहां आपको हार बिल्कुल भी नहीं चाहिए, आपको डेफिनेटली जीत मतलब जीत चाहिए, क्योंकि आप जो कर रहे हो उसमें जीत आपकी होनी चाहिए। इसलिए यहां पर एकदम बड़ा सा आपको प्लान नहीं बनाना है, बड़ा सा चैलेंज नहीं लेना है, बड़ा सा वो नहीं करना है आपको, एकदम शॉर्ट कहा जाए तो शॉर्ट गोल जो है सेट करना है आपके लिए पर डे के लिए, मैं वो भी पूरा पर्टिकुलर नहीं बोलूंगा, हालांकि आपका टारगेट जो है सो है,
आपको जो अचीव करना है, पास होना है, बड़ा फोड़ना है, बड़ा फोड़ोगे, बस ये चीजों को याद रखो, क्योंकि आप अभी स्टार्ट करने वाले हो तो आपको सबसे पहले शॉर्ट गोल्स, एकदम छोटी वाली गोल सेट करना पड़ेगा कि भाई मुझे एक दिन में 12 घंटे का नहीं बना। स्टार्टिंग में तो कभी मैं 12 घंटे के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा, याद रखना। स्टार्टिंग में आप जो है, जब फर्स्ट डे आप इस वीडियो के बाद से ही आप तैयारी चालू करो, पहले दिन में मुश्किल से 2 से 3 घंटे ही आप प्रिपेरेशन करो। इतना पढ़ाई करोगे तो डेफिनेटली आप अच्छा अचीव कर सकते हो, 2 से 3 घंटा बस, एकदम शॉर्ट बनाओ, फिर उसको धीरे 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 करके बढ़ाते जाओ। पहला दिन 3 है तो अगला दिन उसको 3 से 4 करो, अगला दिन 4 से 5 करो, 5 से 6 करो, ऐसे उसको धीरे 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 बढ़ाते चलो। और कुछ दिन तो कैसा करोगे, कम से कम 10-12 दिन तो ये करो कि आप एग्जैक्ट एक ही बार में नहीं बढ़ाना, क्योंकि जैसे हम दौड़ते हैं धीरे धीरे हमें क्या बढ़ाना पड़ता है, अपना लेंथ भी बढ़ाते हैं उधर और स्पीड भी बढ़ाते, उस चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा, है ना, ताकि हमें कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। तो शॉर्ट गोल आपको बनाना है, मतलब छोटी छोटी, कि एक ही दिन में ऐसा टारगेट मत बना देना कि मुझे आज में पूरा का पूरा गणित का 16 पार्ट पढ़ना है, विज्ञान का 18 पार्ट पढ़ना है, सामाजिक विज्ञान के पूरे 21 पार्ट खत्म करना है, ये वाले नहीं, क्योंकि उससे आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ें अगर नहीं होगा, मान के चलो कर लिए तो चलो कर लिए तो कर गए, आगे बढ़ गए, बट अगर मान के चलो 18 चैप्टर नहीं हुआ तो आपका दिमाग में नेगेटिवनेस आएगा ना भाई कि मेरे से नहीं हो पाएगा, तो वो चीज़ें ना, इसलिए एकदम छोटा बनाओ, देखना अगर वो चीज़ मिल जाएगा, वो चीज़ कर लोगे तो वो खुशी आपको बहुत बड़ी पॉजिटिव बिल्डअप करेगा, आपका पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर लाएगा। इसलिए बोलता हूँ करो करो करो, ठीक है। तो शॉर्ट गोल बनाओ, फिर थर्ड की अपर बात करें, ये तो कर लोगे, शॉर्ट गोल बनाओगे कि एक दिन मुझे एक यूनिट या एक चैप्टर, 2-3 चैप्टर ऐसे कवर करना है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बता रखा हूँ, उसकी PDF डाउनलोड करो, प्रीवियस वीडियो से सबके प्रिपरेशन में लग जाओ। फिर इसके बाद आपको क्या करना, शॉर्ट गोल तो चलो कर लोगे, बनाओगे, ये सबको पता है, ठीक है। फिर थर्ड की अगर मैं बात करूँ तो थर्ड आपको ये समझना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, डेड एंड सेट करना पड़ेगा। डेड एंड का मतलब क्या है भाई, डेड एंड का मतलब ये है कि मुझे इतने घंटे में या इतने दिन में उसको करना है, मतलब वो शॉर्ट गोल है, जो उस गोल को उसके लिए भी डेड एंड सेट करो कि करना है, मतलब करना है उतना टाइम में, मतलब करना है, क्योंकि ये चीजें नहीं होगा, मान के चलो डेड एंड आप सेट नहीं करते हो कि मुझे इतना टाइम में ये चीजें करना है करके, तो फिर वो आपका क्या करो, आप पढ़ते पढ़ते, मान के चलो सपोज दैट आप YouTube से ही पढ़ रहे हो, YouTube से पढ़े, नीचे में गलती से कोई हमारा एक वीडियो दिख गया, तो आपको उसमें जाके क्या करोगे, टिक करोगे, कौन से शॉर्ट्स वीडियो में, एक शॉर्ट्स देखने के चक्कर में, जरूरी नहीं है तो हमारा शॉर्ट्स दूसरा दूसरा है, फिर आपका वो क्या बन जाएगा, शॉर्ट्स में ही पूरा टाइम चला जाएगा। कुछ भी हो सकता है, आप इधर करते करते थोड़ा सा घूम के आता हूँ ऐसा, क्योंकि आपको डेड एंड नहीं रहेगा, अरे करना तो है दिन भर में, जैसे भी करके मैं कर लूँ, है ना, वो रहे तो भाई डेड एंड रहेगा तो आपके पास दिमाग में रहेगा कि मुझे आज करना है, मतलब करना है, करना है, मतलब करना है, ये चीज़ें रहेगी। इसलिए आप क्या सेट जरूर करो, डेड एंड सेट करो पर डे कि मुझे इतना टाइम में ये चीज़ें कंप्लीट करना है, ठीक है, तब आप कुछ अच्छा कर पाओगे। फिर मेन चीज, अब क्योंकि आप जो है क्या कर रहे हो, इतना दिन तक टाइम वेस्ट हुआ है, मैं मानता हूँ गलती आपकी पर्टिकुलर नहीं, हम बता दिए हैं कि वहाँ पर बहुत से लोगों के हैं, उन लोगों की नाम इसमें नहीं लिया जा रहा है, ठीक है। अब देखो डेड एंड सेट हो गए, अब यहाँ पर मेन चीज़ है कंट्रोल करना है खुद पर, ठीक है। तो यहाँ पर मेन क्या है, कंट्रोल इन योर सेल्फ, अगर ये कर लोगे ना तो होगा, क्योंकि मैं मानता हूँ भाई बहुत सारा नेगेटिवनेस आएगा, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग बातें आपके दिमाग में आएगी, क्योंकि पढ़ोगे तो होगा नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें आएगा, ठीक है, और नहीं होगा तब भी, होगा तब भी, क्योंकि आप क्वेश्चंस वगैरह देखोगे प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर, तो कहीं ना कहीं आपका मन जो है डगमगाएगा, है ना। तो उन चीज़ों को समझो कि आपको यहाँ पर खुद को कंट्रोल करके रखना है, या बोल सकते हैं कि आप कुछ चीज़ छोड़ के आओगे, गेम खेलना छोड़ के आओगे तो आपको गेम खेलने का मन लगेगा, या कुछ और चीज़ कर रहे होंगे तो ऐसे सिचुएशन में आपको खुद को कंट्रोल करना है भाई कि नहीं मुझे ये करना है, मतलब ये करना है करके। लास्ट और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखते हैं, वो क्या है, कंटिन्यूटी, ठीक है, अगर कंसिस्टेंसी हो आपके पढ़ाई में, फिफ्थ, ठीक है, कंसिस्टेंसी, ठीक है, अगर ये हो कंसिस्टेंसी अगर आपके अंदर में आ जाती है, मतलब कंसिस्टेंसी मतलब कंटिन्यूटी जो होना चाहिए, अगर ये कंटिन्यूटी आती है
तो डेफिनेटली आप वो चीज़ें कर पाओगे जो आप सकते हैं। मतलब कंटिन्यूटी का मतलब, सिंपल सा मतलब है कि आपको रेगुलर उन चीज़ों पे करना पड़ेगा। आपका अब इधर एक भी दिन जीरो डे नहीं होना चाहिए। जीरो डे का मतलब समझ रहे हो? अरे आज मन नहीं लगा था, आज नहीं पढ़ाऊँ, आज ये है, आज सगाई है, ककरो घर शादी है, छठी है, ये बात दिमाग में नहीं। आप सब चीज़ करो, आपको जाके गेम खेलना है खेल के आओ, दो घंटा मैच खेल के आओ, क्रिकेट खेलना है खेल के आओ, कबड्डी खेलना है खेल के आओ, लेकिन दिमाग में रखो कि अगर मैं दो घंटा खेलूंगा तो यहाँ चार घंटा आके पढ़ूंगा, अगर दो घंटा मैं किसी पार्टी में गया हूँ, किसी इंजॉयमेंट में गया हूँ तो यहाँ के यहाँ चार घंटा पढ़ूंगा। ये आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा, फिट करना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ना है मतलब पढ़ना है और कुछ करना है मतलब कुछ करना है, ये आपको दिमाग में समझा कर रखना पड़ेगा। तो ये पांच पॉइंट्स आप कर लो, डेफिनेटली आप वो कर सकते हो जो आप चाहते हो, ठीक है? आप वो कर सकते हो जो लोग नहीं चाहते, याद रखना इस पॉइंट्स को, ठीक है? तो इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप ये पूरी चीज आपको समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे जिनके पढ़ाई नहीं हो रहा होगा, ठीक है? अपने रिश्तेदारों में भी शेयर कर देंगे ताकि उन लोग भी इन चीजों को देख पाए, समझ पाए, ठीक है? तो फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में।